धोखेबाज चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी कांग्रेसियों ने चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का पुतला फूंका। चीन और भारत देश के बीच एलएसी पर हुई तनाव और 20 फौजियों की शहादत के बाद लोग में रोष देखने को मिल रहा है। चाइना प्रोडक्ट्स न इस्तेमाल करने की अपील की मामला सदर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड रोड का है। पूरा मामला हमीरपुर मुख्यालय का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नीलम निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चीन के तानाशाह सी जिनपिंग का मुख्यालय के बस स्टॉप पर पुतला फूंक कर जताया आक्रोश और एलएसी में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि कर किया नमन। साथ ही तानाशाह के विरोध में नारेबाजी कर की, वहीं समर्थकों ने तानाशाह के पुतलों की गर्दन धड़ से अलग कर उसे फूंक दिया और चीन से आने वाली सभी सामानों का बहिष्कार करने को भी कहा। भैया दूर हट जाओ, हटो हटो। देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे बात।